हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, हमारे पैसे को AMC कैसे इन्वेस्ट करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट ऐसे जनरेट ऐसे होता है। हम देखते हैं किसी फंड में हमें 20% का ग्रोथ मिलता है, किसी फंड में 15% का मिलता है, किसी फंड में 5% का मिलता है, किसी फंड में 25% का मिलता है, तो किसी फंड में 40% का ग्रोथ मिलता है। इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ऐसा ग्रोथ मिलता है। इन्वेस्टमेंट करने का तो बहुत सारे साधन हैं दोस्तों। हम FD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं, सिक्योरिटी में कर सकते हैं, PF में कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, ब्रोकरेज में कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हमें इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, रिस्क भी कम चाहिए। हम दोनों चीज़ देख के चलेंगे। तो चलिए हम बातें करते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे 6% का ऐसे ग्रोथ मिलता है, सिर्फ 6% का रिटर्न मिलता है, और इन्फ्लेशन रेट है 7.4%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें 1.4% का नुकसान हो रहा है दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो। बट यहाँ पे हमारा पैसा 100% सिक्योर है, नुकसान लेने के लिए तैयार है, तो नुकसान आप ले सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे कोई रिस्क नहीं है, बट हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 8% 9% तक का रिटर्न मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं PF में तो हमें 8% का रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। बट 8% का रिटर्न दोस्तों, 7.4% इन्फ्लेशन है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है वो 0.6% का रिटर्न मिल रहा है सालाना। आप सोच सकते हैं कि 0.6% बेहतर है या फिर ऐसे हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करें वो बेहतर है। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा फंड चाहिए, लगभग ऐसे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का फंड चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो हमें वहाँ पे ऐसे 2 लाख 3 लाख रुपया का ऐसे सालाना हो सकता है कि रिटर्न मिले। कन्फर्म नहीं है कि हमें ऐसे रिटर्न मिलेगा ही। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों LIC वगैरह में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा लाइफ का तो कवरेज होता है, बट हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऐसे कितना मिलता है वो आप भी समझ रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे बहुत ही रिस्क है दोस्तों, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए रिस्क ऐसे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो समझते हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों। म्यूचुअल फंड के दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक SIP होते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, दूसरा है लमसम प्लान होते हैं। SIP को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, उसी तरह 500 रुपया, 1000 रुपया, 2500 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में दोस्त। लमसम को अगर हम समझे तो एक फिक्स डिपॉजिट में जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरह से हम लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हमारा पैसे को इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हमारे पैसे जाएगा कहाँ? तो चलिए हम इस तरह से बातें करते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारा जो पैसे है वो एक AMC कंपनी के पास जाता है, जिसे हम असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, उसके पास में जाता है। वहाँ पे फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर हमारे हर फंड का 2-3 मैनेजर होता है, जो कि ऐसे अपने डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमारा फंड मैनेजर है, बहुत सारी कंपनी को रिसर्च करता है और वहाँ पे देखता है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। उस कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है और उस कंपनी के सारे डिटेल्स को लेकर अपने एक फाइल बना के रखता है कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें कितना परसेंट का रिटर्न मिलने का चांस है। यहाँ पे कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 15% का रिटर्न देगा, 20% का रिटर्न देगा, या 25% का रिटर्न देगा। बट ये श्योर होता है कि दोस्तों 25% से ऊपर ही रिटर्न देगा, 20% से ऊपर देगा, या 15% से ऊपर देगा रिटर्न, क्योंकि उसका प्रोफाइल उसको मालूम होता है कंपनी का। फिर हमारे पैसे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटी को देखते हुए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसे जो वहाँ पे रिटर्न मिलता है वो हमारे अकाउंट में दोस्तों, जो हमारा म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट होता है उस अकाउंट में हर महीने जैसे 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 ऐसे अप होता है वैसे वैसे शो करते रहता है कि हमारा पैसा ऐसे इतना परसेंट से ग्रो कर रहा है। और जब हम पैसे को निकालते हैं तो हमारा फंड मैनेजर हमारे म्यूचुअल फंड को, जो SIP होता है, उसे यूनिट को बेचकर हमें ऐसे पैसे ऐसे देता है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो चक्र है वो चलते रहता है म्यूचुअल फंड का, SIP का। इस तरह से हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंपनी में, हमारे पैसे का ग्रोथ इस तरह से होता है। तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं।
म्यूचुअल फंड की अगर बातें करें तो म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। एक ऐसे ओपन एंडेड फंड होते हैं, एक क्लोज एंडेड फंड होते हैं। अगर हम ओपन एंडेड फंड को देखते हैं तो अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, तो जब भी हमें अपने पैसे का रिक्वायरमेंट होता है हम अपने यूनिट को बेचकर अपने पैसे को वहाँ से आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जब भी चाहिए तब रिडीम कर सकते हैं और हमें वो 2-3 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाता है। अगर हम क्लोज एंडेड फंड की बातें करते हैं तो क्लोज एंडेड फंड में दोस्तों एक लॉकिंग पीरियड होता है जो 3 साल का 5 साल का 10 साल का 15 साल का, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉकिंग पीरियड होते हैं। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा है सो वहां पे लॉक कर दिया जाता है, 5 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। अपने पैसे को उतने दिन तक के लिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो लॉक हो चुका है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। किसी भी इमरजेंसी के केस में भी अपने पैसे को आप रिडीम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वो कंडीशन डाला गया है दोस्तों। तो ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड के अंदर कौन कौन से ऐसे फंड आता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमें अच्छा ऐसे बेनिफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। चलिए हम बातें करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन कौन से फंड है। देखिए फंड तो बहुत सारे हैं बट हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना जानते हैं दोस्तों। इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी का CEO है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कंपनी में, तो एक तरह से हमारा भी जिस तरह से CEO का प्रॉपर्टी बढ़ता है उस तरह से भी हमारे पैसे का ग्रोथ उसी तरह से होगा। अगर CEO को नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान होता है तो हमें भी नुकसान होगा, अगर उसे प्रॉफिट होता है तो हमें भी प्रॉफिट होगा। इक्विटी का मतलब ये होता है दोस्तों। अगर हम डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेब्ट में हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत ही कम रिस्क होता है डेब्ट फंड में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों। ऐसे हमारे पैसे को ज़्यादा नुकसान होने का संभावना नहीं होता है बट यहाँ पे नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। डेब्ट फंड को दोस्तों इनकम फंड भी कहा जाता है क्योंकि बहुत कम रिस्क होता है, यहाँ पे फिक्स होता है कि आपको ऐसे 10% का मिलेगा, 11% का मिलेगा, इतने परसेंट का ऐसे आपको ग्रोथ मिलेगा, बट ये भी ऐसे डिसाइड ऐसे नहीं किया जा सकता है कि ये फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा। एक बैलेंस फंड है दोस्तों। बैलेंस फंड का मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर इक्विटी में करते हैं, डेब्ट में करते हैं, तो आप कितने परसेंट ऐसे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को। सपोज़ दैट अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं तो 1,00,000 रुपया में आप 80% ऐसे, मतलब 80,000 रुपया इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20,000 रुपया आप डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंड है वो आपका बैलेंस है, आपको ऐसे ज़्यादा नुकसान होने का संभावना नहीं है क्योंकि आपका इक्विटी फंड भी कम है और डेब्ट फंड भी कम है। तो इक्विटी फंड में थोड़ा सा नुकसान अगर होगा तो डेब्ट फंड उसे संभाल लेगा, तो ज़्यादा नुकसान होने का संभावना नहीं है। या तो 50-50 कर सकते हैं, इक्विटी में 50%, डेब्ट में 50%। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा वो दोस्तों 25%, 20% नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वहाँ पे 9%, 10%, 12% तक का रिटर्न मिले 50%, अगर आप 50-50 दोनों में डिवाइड करते हैं तो। एक इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शेयर मार्केट के top 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इंडेक्स में जितने भी कंपनियां आती है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो जितना इसमें दोस्तों ज़्यादा रिस्क भी है तो ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट भी होता है। एक तरह से इंडेक्स फंड बहुत अच्छा फंड होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहाँ पे ऐसे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। इस टाइप से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओपन एंडेड सिलेक्ट करें, क्लोज एंडेड सिलेक्ट करें, आप अपने हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप 5,000 रुपया का SIP लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5,000 रुपया में दोस्तों 5 फंड आ जाएंगे। कोई फंड हो सकता है कि उसमें आपको ऐसे 18% का ग्रोथ देता हो, कोई फंड आपको 20% का ग्रोथ देता हो, कोई फंड 25% का ग्रोथ देता हो, कोई 26% का ग्रोथ देता हो, तो कोई 30% का ग्रोथ देता हो। बट हो सकता है कि कभी कभी वो 30% देने वाले फंड ऐसे 20% पे भी चला जाए और 10% पे भी चला जाए और 18% ग्रोथ देने वाली फंड ऐसे 22%, 25% ग्रोथ देने लगे, 20% ग्रोथ देने वाली फंड ऐसे 22%, 25% ग्रोथ देने लगे और जो 25% से ऊपर है वो डाउनफॉल होने लगे। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पोर्टफोलियो बनाकर तो उस तरह से आपको ऐसे नुकसान होने का संभावना बहुत ही कम होता है, आपको लगभग ऐसे 18-20% का ग्रोथ मिलता रहेगा और आपका फंड जो है दोस्तों वो ऐसे लगातार ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान कम होता है। तो दोस्तों कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करें, इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करें, मेरा सलाह तीन है दोस्तों। आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है और ऐसे कंसिस्टेंटली आपको ऐसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। अगर आप फंड का नाम जानना चाहते हैं तो मेरा बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें मैं फंड का नाम बता चुका हूं। आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेस्ट फंड है। अगर हम यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड मार्केट का सबसे अच्छा कंपनी कौन सा है, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे अच्छे से अच्छे ग्रोथ पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।